हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इस पर वीडियो तो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आप तक सूचना पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। उम्मीद करता हूं कि लास्ट टाइम का आपने कल जो डिबेट हुआ टीवी पर, उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। और इस बात से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार की पूरी मंशा है कि 14,580 पद पर भरना चाहती है, लेकिन दोबारा वेरिफिकेशन करा के एक साल फिर से प्रक्रिया को बढ़ा के टाल मटोल करके भ्रष्टाचार की बुआ रही ऐसी प्रक्रियाओं को अपना कर भर्ती को करना चाहती है, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को जॉब मिल पाएगा। इसमें तो अपात्र अभ्यर्थी भी घुस सकता है, ठीक है, ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखिए, यहाँ पर एक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति एक शैक्षिक जिला है, आप लोग सभी जानते हैं, जो कि जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए 6 अक्टूबर 2020 को किसी को यहाँ पर किस पद के लिए सहायक शिक्षक विज्ञान, ठीक है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला व विज्ञान समूह, यहाँ पर देख सकते हैं जो इस पर जिसमें इसमें भरा होगा उस संदर्भ में इनको यहाँ पर मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए यहाँ पर इनको जारी कर दिया गया है लेटर। संदर्भित विषय अंतर्गत व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में आपका नाम निम्नांकित पद हेतु वरीयता सूची में है, इस हेतु पात्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना है। जिले के अधीन पदवार निम्नानुसार दस्तावेज का सत्यापन किया जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिफिकेशन कब से कब तक बताया गया है। सहायक शिक्षक विज्ञान का यहाँ पर देख सकते हैं 27/10/2020 से, ठीक है, और 28/10/2020 सूची क्रमांक में देख रहा है। यहाँ पर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 29 और 2 तारीख नवंबर में है, सॉरी 29 तारीख जो अक्टूबर में, फिर 2/11, ठीक है, और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला व विज्ञान सबके लिए 3/11/2020 सभी। और यहाँ पर साइन भी है जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति का, और यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ एकदम सही, और मतलब सही दस्तावेज है, कोई फर्जी लग नहीं रहा है। लेकिन ये जो वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है, इसको जिले के वेबसाइट में अभी तक डाला नहीं गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ ये फर्जी भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जब तक लिस्ट देखा ही नहीं है तो मैं इसको पूरी दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बिना लिस्ट डाले भी अभ्यर्थियों को भेजा जा रहा है क्या वेरिफिकेशन के लिए लेटर, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि दस्तावेजों का जो लेटर है वो लिस्ट, वेरिफिकेशन लिस्ट जो मेरिट लिस्ट है उसको डाले बिना ही भेजा जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो वही व्यक्ति बता पाएगा जिसके पास लेटर पहुंचा है या नहीं। मेरे जानकारी में अभी तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनसे मैं कोई संपर्क करूं, जिनसे मुझे जानकारी मिल सके कि उसके पास लेटर पहुंच गया है। फिर भी से इस पत्र को देखने के बाद तो ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर विभाग से हो रही है तो वाकई बहुत बड़ा खेद दुखद बात है। पूरी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं पूरी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें ना अभ्यर्थियों को पता है, ना विभाग को पता है, ना लिस्ट डाला जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो इस तरह की मतलब चीज़ें नहीं होनी चाहिए डिपार्टमेंट के द्वारा। मैं एक लेटर आपको और दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, आपने बिलासपुर संभाग का मैंने मेरिट लिस्ट डाला हुआ था, वेबसाइट पर आया हुआ था, बाद में उस मेरिट लिस्ट को हटा दिया गया, आपने देखा उस जो प्रावधिक चयन सूची था उसके संदर्भ में। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी को लेटर भेजा जा चुका है, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और इनको बुलाया गया है, कहाँ बुलाया गया है, ठीक है, प्रथम पाली को सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल तारबहार चौक बिलासपुर में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं भारी दस्तावेज इन लोग को बुलाया गया है, कुल मिलाकर 1 से लेकर 13 तक यह क्रमांकित है, जो आवश्यक हो उसको ले जा सकते हैं, और यहाँ पर सारा COVID-19 का भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें दोबारा वेरिफिकेशन हो रही है, बहुत ही गलत बात है। इस कोरोना महामारी के दौर में दोबारा बुलाकर अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है,
फिर है, मैं बार बार वही बात रिपीट नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अभी मैंने शक्ति का जो लेटर दिखाया उस पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, क्या विभाग के द्वारा गलत काम की जा रही है तो उस गलत काम को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से चीज़ें आ सकती है, आप भी सजेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जोहर।